वेलकम वेलकम। और बहुत सारा स्वागत, मैं मोनिका श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं अप्पे। ये भी एक साउथ इंडियन डिश है, तो हेल्दी तो है ही, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑयल में नहीं बनती है और बहुत लाइट होती है, तो डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दैट मीन्स एक अच्छी सी डिश, एक अच्छा सा इवनिंग के लिए स्नैक्स आपके लिए फटाफट बनने वाला, जिससे कि आप घर में बनाएं और चाहे तो आप मेरे साथ भी बना सकते हैं। बस आपको सामान थोड़े से इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो सूजी, बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो है सूजी और दही या छाछ, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद बस फटाफट बन जाता है ये अप्पे घर में। तो अप्पे बनाने के लिए हमने जो लिया है, दो तरह से अप्पे बनते हैं। एक तो बिल्कुल प्लेन वाले अप्पे बनते हैं जिसमें कोई भी सब्जियां नहीं पड़ती हैं, एक बनते हैं जिसमें हम बीच में थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो आज हम थोड़ा वेजिटेबल वाला हरा भरा अप्पा बनाएंगे और ज्यादा हेल्दी बनाएंगे अप्पे को। तो चलिए, तो सब्जियां जो है वो मेरे पास है, प्याज है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, थोड़ी सी अदरक भी ली है मैंने, और धनिया की पत्ती है, और साथ में हम लेंगे थोड़े से फ्रोजन ही लेंगे अभी, तो ग्रीन पीस लेंगे और स्वीट कॉर्न लेंगे, दोनों चीज फ्रोजन होगी। तो ये सारी चीजें हमें आपके पास रख लेनी है और अब हम बनाना शुरू करते हैं अप्पे। अप्पे की थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। तो ये है हमारी प्याज, जिसे हम छील लें, काट लें। तो मीडियम साइज की एक प्याज मैंने ली है और इस पानी को रख देते हैं गैस पे। यस, तो ये मैंने रख दिया है गैस पे। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये थोड़ा खोल जाए, इसमें नमक डाल देते हैं हल्का सा। इस पानी में डाल देते हैं नमक। मैं दो चीजें लेके आती हूँ, ग्रीन पीस एंड स्वीट कॉर्न। थोड़े से मैंने, करीब एक बड़ा चम्मच मैंने क्या लिया है, ये स्वीट कॉर्न लिए हैं और साथ ही मैंने लेनी है एक बड़ा चम्मच के लगभग ही ग्रीन पीस। बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, बहुत है काफी इतने अभी फ्रोजन मिल रहे हैं। हालांकि अभी जो स्वीट कॉर्न है वो तो बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं और मैंने कल ही पूरे कुकर में जो स्वीट कॉर्न, बड़े अमेरिकन भुट्टे नाम से जो आता है, वो कुकर में डाल के उबाले थे और वो जो टेस्ट होता है वो फ्रोजन में तो नहीं आता, लेकिन अभी फ्रोजन के लिए काम चला लेते हैं फ्रोजन से ही, क्योंकि वो तो हमने चटपट खाते खत्म कर दिए। हाँ जी, तो ये पानी हो गया है गर्म और इसमें डाल देते हैं ये दोनों चीजें। ठीक, थोड़ा इसको उबल जाने देते हैं, सॉफ्ट हो जाने देते हैं और साथ में अब तैयारी करते हैं हमारी बैटर की। मेरे ख्याल से मुझे इसको इस वाले गैस पे रखना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को दूर से भी ये क्लियर दिख सके कि मैं इस बोल में क्या करने जा रही हूँ। ठीक, हाँ जी, तो ये है हमारा सूजी जो कि मैंने क्या किया था, हल्का भून के रखती हूँ मैं हमेशा ही। तो ये मैं ले ले रही हूँ एक कप सूजी, आधा और आधा, ये हो गया एक कप सूजी। अब हमारे पास ये है छाछ, ये सरस यहाँ की कंपनी है, राजस्थान की अजमेर देवी की। आपके यहाँ जो भी छाछ या मट्ठा जैसे भी मिलता हो वो ले सकते हैं, आप घर का बना हुआ भी छाछ ले सकते हैं, और अगर आपको छाछ नहीं मिलता है तो आप दही ले लीजिए, उसको मथ लीजिए और उसमें पानी मिला लीजिए, तो वो भी छाछ का काम करेगा। यानी दोनों, जो दोनों तरीके से बना सकते हैं आप, चाहें तो छाछ से बनाइए और नहीं तो दही से बनाइए। तो ये छाछ जरा हम पत्ते ही निकाल लेते हैं और इस बीच में हमारा ये दोनों चीजें उबल रही हैं अच्छे से, इनको अच्छे से उबल जाने देते हैं। मैं इसमें खाली कर ले रही हूँ
इसके बाद आता है हमारा, ये हमने एक कप लिया हुआ है, तो छाछ है तो पूरा एक कप ही लीजिए आप, वो बिल्कुल भर गया है। और अगर आप दही ले रहे हैं तो आधी कप दही लीजिए। और इस बीच में हमारा ये जो है दोनों चीजें उबल गई हैं अच्छे से, इनको हम हटा लेते हैं गैस पर से और छन्नी से छान लेते हैं, पानी अलग कर देते हैं और दो चीजें रखनी है हमें। तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर, हरा हरा, हा हा हा। तो ये हो गई है दूसरा कप, मैंने छा मतलब आधा आधा दो बार डाला है, थोड़ा सा कम था इसलिए मैं और डाल देती हूँ। और इसको हम हटा देते हैं, साइड में रख देते हैं। और चारों तरफ छाछ 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 लगी है, तो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। और अब इसे हमें क्या करना है, ये जो हमारा है दही और सूजी, इसको हमने मिक्स कर लेना है। एक कप हमने इसमें छाछ डाल दी है, एक कप सूजी ली है। अब सूजी डालने के बाद, सूजी फूलती भी है तो ये बहुत सूखा हो जाता है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, पानी डालना होगा हमें। तो पानी भी मैं आधा कप पानी अभी डाल रही हूँ, और अगर ज्यादा जरूरत लगी तो हम दोबारा पानी डालेंगे। हाँ, इसको मैंने 1/4 कप पानी अभी डाला, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसकी जरूरत होगी, अगर ऐसा हुआ तो हम 1/4 कप पानी और डाल देंगे, यानी कि 1.5 कप पानी, सॉरी आधा कप पानी और एक कप छाछ। अब इसमें हमें डाल देना है नमक और लाल मिर्च, ये जो मसालेदानी वाला नमक का चम्मच है छोटा वाला जो आता है, वो मैं एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल दीजिए। और लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल ले रहे हैं, इन दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद इसको, क्योंकि सूजी फूलती है इसलिए सूजी को फूलने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए अच्छे से, और मींस कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट देना चाहिए। तो भाई हम भी इसको थोड़ा सा रेस्ट तो दे ही सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। पानी को साइड में रख देते हैं और थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, और तब तक हम जो स्टफिंग या जो हम मिक्स करने वाले हैं वो मिक्सचर बना लेते हैं पूरा डाल करके। और उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो हमने कटिंग्स करी हुई है इनको हम लेते हैं इस प्लेट में, इसमें प्याज है, टमाटर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैं इसका पता नहीं रखूंगी क्योंकि अभी भी गैस भर रहे हैं। तो ये हो गया, यस, हाँ जी। तो प्याज, टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च, साथ में ग्रीन पीस और स्वीट कॉर्न, इतनी चीजें हमने इसमें डाल ली है। और इसे हटा देते हैं साइड में, और इसमें क्या डालेंगे हम, इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च। ये हो गया नमक, बहुत ज्यादा मसाले इसमें नहीं डालने हैं कि आप गरम मसाला भी डाल दें, धनिया पाउडर भी डाल दें, ऐसा कुछ इसमें नहीं करना है, लाइट लाइट सा ही अच्छा लगता है, जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है वो थोड़ा लाइट होता है। अगर इसको मसाले से भर दो तो वो कुछ भी बन जाएगा, लेकिन वो अप्पे तो नहीं होगा। तो हमने ये मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब अप्पे बनाने के लिए आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, और वो चीज है इस तरह का अप्पे का ये जो पॉट आता है वो होना चाहिए आपके पास। तो ये पॉट आपको कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाता है, और ये मैंने डीमार्ट से खरीदा था। और ये और इसके साथ में एक छोटा अप्पे का पार्ट और था जो मैंने किसी को दे दिया, और दो पार्ट थे के मतलब दो पॉट आए थे इसमें, और केवल 199 रुपीज का आया था, बहुत महंगा नहीं आया था। तो डरने की बात नहीं, आप भी जाइए डीमार्ट पे मिल जाएगा, और लोकल मार्केट पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन हो सकता है थोड़ा महंगा मिले। तो इसका मैं पानी सुखा दे रही हूँ, उसमें धोया हुआ है तो पानी है जगह जगह, तो वो हम थोड़ा सुखा दे रहे हैं। लेकिन उसमें ढक्कन नहीं आया था, ये जो लेड है ये दूसरी किसी कढ़ाई की है, लेकिन मेरी इस पे बिल्कुल परफेक्ट आ जाती है तो मैं इस पे यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो लेड के आपको ये 199 रुपीज में मिल जाता है। तो ये जो अप्पे पॉट है इसमें हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑयल लगा देना है इसके हर एक, इसमें थोड़ा सा। अभी गैस बंद कर दिया मैंने क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा सूजी में क्या आ जाए, सूजी थोड़ी सी
फूल जाए, जो सॉफ्टनेस होती है ना एक सूजी की, वो आ जाए। तो ये मैंने डाल दिया है, हल्का हल्का सा तेल लगाया है, बहुत ज्यादा तेल नहीं लगाना है। और अब हम देखते हैं अपनी सूजी को। सूजी का क्या हाल चाल है भाई साहब? सूजी तो अभी वैसे की रहती है, हालांकि इनको थोड़ा सा फूल जाना चाहिए था, पर इट्स ओके। तो ये इस तरह की सूजी अभी हो गई है, तो मुझे अभी इसी पे काम चलाना पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें या तो हम इनो सॉल्ट डालें या फिर ये इतने में 3/4 चम्मच मैंने इसमें खाने का सोडा डाला है। ठीक है, ये मैंने खाने का सोडा डाल दिया है। दही और खाने का सोडा जब एक साथ मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले बनते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये हो जाएगा कि ये थोड़ा फूल जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा क्या डाल रहे हैं, बेकिंग पाउडर डाल दे रहे हैं, और आप चाहें तो केवल इनो डाल करके भी काम चला सकते हैं। तो ये है मेरा बेकिंग पाउडर जो कि मैंने इसमें डाल दिया है, करीब करीब 1/2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है। और अब ये थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा लाइट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा, हाँ मैं फिर भी दिखा दूँ, थोड़ा फूल गया है ये। और अगर आप 10 मिनट और रख के उसके बाद डालते, बिल्कुल बनाने के थोड़ी देर पहले ही आपको इसमें क्या डालना है, जो खाने का सोडा और बेकिंग पाउडर थोड़ी देर पहले ही डालना है, पहले से डाल के नहीं रखना है, यानी बनाने के टाइम पे ही डालना है। तो ये गैस ऑन कर ले रही हूँ मैं, इस अप्पे वाले पॉट में मैंने थोड़ा थोड़ा तेल लगाया हुआ है, जो कि मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। इस तरह से इस पे लगा हुआ है, मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि सूखा हुआ हो, थोड़ा थोड़ा सा, दो दो चार चार बूंद इसमें क्या लगा हुआ है, तेल लगा है। अब इस जो तेल लगा हुआ है उसमें मैं डाल रही हूँ ये राई, या थोड़ी मोटी वाली राई है ये मैं डाल रही हूँ, बहुत मोटी सरसों को, मोटी वाली सरसों नहीं लेना है, लेकिन हाँ एक मीडियम साइज की आती है वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, हर एक पे थोड़ी थोड़ी सी। ये मैंने डाल दी है इसमें, हर एक में डाली है। और साथ में हम डालते हैं इसमें मीठी नीम। तो मीठी नीम आप बिल्कुल हरी ले सकते हैं, मेरे पास थोड़ी हल्की सी मैं सुखा के रखती हूँ अपने पास, तो वो मीठी नीम मेरे पास है। मैं इसमें हर एक में थोड़ी थोड़ी सी मीठी नीम भी डाल दे रही हूँ क्योंकि उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है अप्पे में। इस तरह से हर एक में हमने क्या डाल दिया है, मीठी नीम डाल दी है। और अब हमें क्या करना है, ये जो बैटर है ये इसमें डालना है। तो जिसमें आपको मटर और ये सब चीजें डालनी है, जो हमारा मिक्सचर है, उनको थोड़ा खाली छोड़ दीजिए और बाकियों को आप भर दीजिए अच्छे से। जो राई है वो चक 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 बोलती है, उड़ने लगी है। मैंने कुछ एक में क्या किया था, थोड़ा कम डाला हुआ था बैटर, उनमें मैं ऊपर से ये डाल रही हूँ इस तरह से। अब देखिए, आप चाहें तो मिक्स करके डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर बीच बीच में बहुत ज्यादा, बस ये थोड़ा थोड़ा डाल दी मैं बीच में, ऊपर से और डाल दे रही हूँ इसके ऊपर, जिससे कि ये अब पैक हो जाएंगे, अंदर मिलेगा ये सब कुछ, जिससे ये दोनों साइड से अच्छे से पक भी जाएंगे। अब इसकी आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा ये जो हॉब है कुकिंग हॉब, ये ग्लेन का है। और इसकी सबसे बुरी बात जो मुझे लगी वो यही है कि इसका जो छोटे से छोटा बर्नर है ना, वो भी बहुत ज्यादा फ्लेम देता है। तो मेरे को कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज धीमी आंच पे पकानी है तो मेरे लिए बड़ी आफत हो जाती है इसको पकानी। अब हम इसमें चारों तरफ से, मैंने इसलिए गैस बंद कर दी है क्योंकि ये बहुत तेज नीचे से जलने लगेगा। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल रही हूँ ऊपर से भी, साइड साइड से, हरे कप्पे के चारों तरफ से, यस। और अब हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देंगे अलग अलग करके, प्रॉपर शेप आ जाए इसलिए, क्योंकि मैंने जो स्टफिंग वाले अप्पे बनाए हैं वो थोड़े से शेप क्या हो जाता है इनका, क्योंकि ऊपर से डाला है ना, तो इस तरह का हो गया है। अब हम इसको फिर से ऑन कर दे रहे हैं धीमी आंच पे बिल्कुल, तो पकने देना है। ये हो गई है हमारी धनिया की चटनी और साथ में पुदीने की चटनी, दो तरह की चटनियां हम इसके साथ लेंगे। अब इसको पलट देना है।
ये आपको दिख रहा है जले नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं, इनके फल ऐसे दिख रहे हैं। बहुत इजीली नॉन स्टिक है, ये इजीली पलट जाता है, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। यस सुनहरे सुनहरे, थोड़ा सा तेल इसमें साइड से डाल दे रहे हैं। घी में बनाना चाहें तो आप घी में भी बना सकते हैं। ये सफोला ऑयल है और रिफाइंड ऑयल, तो आप भी रिफाइंड ऑयल यूज कीजिए, सरसों का तेल मत यूज करिएगा, और बाकी आप देशी घी में भी बना सकते हैं। इस तरह से ये हल्के हल्के गोल्डन गोल्डन ब्राउन वाले हमारे अपने रेडी हो गए हैं। बस थोड़ा सा और इनको दोनों साइड से ये पक जाए, इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं 2-4 मिनट। बाकी आप चाहें तो ये जो घोल बचा हुआ है, आप चाहें तो एक साथ मिक्स करके भी अप्पे बना सकते हैं। उसको थोड़ा पकने के लिए ज्यादा टाइम दीजिएगा। दूसरी साइड से भी ये पक गए हैं। जो स्टफिंग वाले थे वो बड़े थे, तो वो आराम से पूरे गोल हो गए हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे गोल हो गए हैं, जैसे बॉल होते हैं छोटे से। मुझे तो अप्पे बहुत पसंद है, आप में से किस किस को अप्पे पसंद है मुझे जरूर बताइएगा, और घर में बनाइए, ये अप्पे फटाफट बनेंगे और बच्चों को तो पसंद आने ही है। सॉस के साथ और चटनी के साथ आप इन्हें सर्व करते हैं तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हाँ, सर्व आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो इस तरह से टूथपिक के ऊपर लेकर के, और ये जो टूथपिक पे हमने एक लिया है, ऐसे दो दो अप्पे एक साथ लीजिए और सर्व कीजिए। तो ये गोल्डन गोल्डन अप्पे हमारे रेडी हो गए हैं। गैस को कर दे रही हूँ मैं बंद, और इसी तरीके से मैं टूथपिक पे ही सारे अप्पे लगा ले रही हूँ। यस, आप चाहे तो किसी को बुद्धू भी बना सकते हैं। ये कह के कि हमने गोल्डन बॉल बनाई है, अब बंदा सोच रहा है यार ये गोल्डन बॉल बनाई कैसे है, तो ये गोल्डन गोल्डन बॉल है ना। ये वाले हैं स्टफिंग वाले, तो इसलिए थोड़े मोटे और बड़े हो गए हैं, और इन्हें भी हमने रख दिया है इसमें। पूरे अंदर तक आराम से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये पक चुके हैं। खूबसूरत से अप्पे तैयार हुए हैं। टेस्टी तो होंगे, खूबसूरत भी तो होना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना कई चीजें केवल इसलिए नहीं खाते हैं कि वो देखने में बड़ी अजीब सी थी, है ना। वो देखने में कई बच्चे, बच्चों को क्या है पालक, ऐसा नहीं कि पालक का टेस्ट पसंद नहीं है, वो पालक देखने में काला काला सा बनने के बाद ऐसा दिखता है ना, तो बच्चे बेचारे नहीं खाते हैं इसलिए। तो उनको अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट करना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, जिसे देख करके उनका भी मन करे हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो हमको खानी है। तो कुल मिलाकर के ये बन गए हैं हमारे टेस्टी वाले, हेल्दी वाले अप्पे। डेफिनेटली आपको इसकी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं थोड़ा चटपटा करने के लिए, और गर्मा गर्म अप्पे जब आप हरी धनिया की चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे तो खाने वाला वाह तो कहेगा ही। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और आप कौन कौन सी रेसिपी मुझसे जानना चाहती हैं
ये भी मुझे जरूर बताइएगा, और कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो वो भी मुझे बताइए कि मुझे इस तरह का सुधार करने की जरूरत है, ये आप मुझे बताइए। आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का भी स्वागत है। तो मिलेंगे अगली बार कुछ और नई रेसिपीज के साथ, बातें करेंगे ढेर सारी। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को एंड रिलेटिव्स को ये वीडियो, जिससे कि वो भी फटाफट अपने बना सके। और भी बहुत सारी रेसिपीज जो हमने शेयर की हुई है इस पेज पर पंखुड़ी के, वहां पर आप इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग, जिससे कि जान सके रेसिपीज के बारे में, सिंपल इजी रेसिपीज जो आप फटाफट घर में बना सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने मेहमानों को और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो देखिए, देखने में भी कितने अच्छे से लग रहे हैं ये, आप पे डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे, बनाइएगा जरूर जरूर। और मिलेंगे अगले हफ्ते नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं पता है नेक्स्ट सेशन मेरा कब है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। वो बेल आइकन वाला जो बटन है ना, उसको जरूर दबा के रखिएगा, जिससे कि आपको आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कौन सा वाला लाइव आने वाला है और मैं आगे कब लाइव आने वाली हूँ और क्या बनाने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, शब खैर।